हे एवरीवन, दिस इज मी स्वरा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरी कुछ फेवरेट प्लांट्स इस महीने की। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ प्लांट्स हैं जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी सबसे फेवरेट वाला प्लांट जो है। चलिए देखते हैं गाइस। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, लास्ट वीडियो में जो जहाँ पर मैंने बताया था मेरी मैंने कुछ प्लांट्स ख़रीदा था। तो आप देख सकते हैं ये है, ये है मॉन्स्टेरा स्टेनलियाना एल्बो। तो आप देख सकते हैं ये हाफ मून टाइप की हुआ है, ये जो न्यू लीफ निकलने वाले थे तो ये ऐसा हुआ है। तो बहुत खूबसूरत, मुझे ये प्लांट पहले से ही चाहिए था, तो अभी ये मुझे मिली है तो ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत प्लांट है इसकी, जो मतलब इतना थोड़ा सा इसमें शाइनी जैसा है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये ख़रीद सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है। आई लव दिस प्लांट। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट, हालांकि सभी प्लांट्स मेरी फेवरेट है, बट अभी ये न्यू प्लांट है तो मेरी ये सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लांट है, तो नंबर वन में मैं इसको। सेकेंड प्लांट जो है वो है ये। तो आप लोग गेस कीजिएगा ये क्या है। तो ये है एक टिकलू सी छोटी सी, ये है फिलोडेंडन होजेवोनो। आप लोगों को पता है मुझे होजेवोनो कितना पसंद है, मेरे पास एक मदर प्लांट भी है, लेकिन ये मैंने प्रोपेगेट किया था। तो आप देख सकते हैं इसकी वेरिएशन कितना सुंदर है। तो ये छोटा सा प्लांट है बट ये बहुत खूबसूरत और बहुत मतलब बहुत अच्छे से ये ग्रो करने वाला प्लांट है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा प्लांट चाहिए जो दिखने में भी सुंदर हो और मतलब इसकी लीव्स थोड़ा ऐसा एलोंगेटेड हो, लंबा सा हो, अगर आप लोगों को ऐसे प्लांट चाहिए तो आप लोग इसको ज़रूर ले सकते हैं, बहुत खूब प्लांट है। आप देख सकते हैं ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है। मैंने इसको रिसेंटली लिया है, एज यू कैन सी बहुत अच्छे से ये मतलब ग्रो कर रहे हैं अभी। तो मैं इसको अच्छे से अच्छा वाला पॉट में दूंगी, एक बड़ा सा पॉट में, अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं इसकी मतलब ऐसा हरा भरा टाइप है ना, बहुत मतलब इसको देखते ही ऐसा कुछ अलग सा फुर्ती सा आ जाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। पहले से ही मुझे सकुलेंट बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा ऐसा स्पेस नहीं है और ऐसा लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं सकुलेंट खरीदती नहीं थी। क्योंकि बाहर में रखने से भी क्या होते हैं, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, बारिश के पानी ज़्यादा मिलेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए मैंने सकुलेंट्स पहले जब मैं न्यू थी तब मैंने ख़रीदा था, लेकिन उसके बाद मैंने सकुलेंट्स ख़रीदा ही नहीं था। तो मैंने फिर से इसको लिया है, देखती हूँ कैसा होता है, क्योंकि मेरी ग्रो लाइट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग देते हैं, तो आई होप ये अच्छे से ग्रो करेगा ग्रो लाइट के अंदर, क्योंकि मेरी ग्रो लाइट बहुत हार्श है, उसकी लाइट बहुत हार्श है। जो मेरे मॉन्स्टेरा एल्बो ये सब है, बहुत ऐसा डेलिकेट सा प्लांट जो है होते हैं ना, वो सब ख़राब हो गया है मतलब उसकी लिप्स। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं सकुलेंट की थोड़ी सी कलेक्शन करूँगी, ताकि मतलब ग्रो लाइट की यूटिलाइज भी अच्छे से हो जाए। प्लांट हालाँकि मेरे पास इतना एंथूरियम की कलेक्शंस नहीं है, आप लोगों को पता है एंथूरियम की कलेक्शन नहीं है मेरे पास, बट दिस वन इज एंथूरियम क्रिस्टलाइना, बहुत खूबसूरत प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, बट ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस मैग्नम में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मतलब रूट रोट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक, बहुत अच्छे से है ये यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ इस बार कि मैं थोड़ी सी एंथूरियम की कलेक्शन करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फिलोडेंड्रोन्स है और फिलोडेंड्रोन्स मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पता है फिलोडेंड्रोन्स एंड मॉन्स्टेरास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार मैंने सोचा है थोड़ा सा एंथूरियम की कलेक्शन करूँगी, तो इतना ज़्यादा तो एंथूरियम की कलेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी भी है
उसमें ये मेरी, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है, पहले मेरे पास उसके बाद मैंने इसको लिया है, आप देख सकते हैं।